नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। यामी गौतम पिछले काफी दिनों से फिल्म लॉस्ट के लेकर चर्चा में है। बड़े पर्दे पर अब तक अलग अलग किरदार निभाने वाली यामी गौतम इस बार G5 पर रिलीज हो रही फिल्म लॉस्ट में बिल्कुल ही अलग तरह के किरदार में दिखेंगी। फिल्म लॉस्ट का दमदार ट्रेलर फाइनली दर्शकों के सामने रिलीज हो चुका है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। जी स्टूडियो के बैनर तले बनी फिल्म लॉस्ट में यामी गौतम प्यार और धोखे और राजनीति के बीच उलझती हुई नजर आएंगी। दोस्तों इस फिल्म में यामी गौतम रिपोर्टर के रोल में छानबीन करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों फिल्म लॉस्ट की कहानी इंडिया में मिसिंग हुए लोगों की असली कहानी से प्रेरित है। इस ट्रेलर का शुरुआत यामी गौतम से शुरू होता है, जो एक जर्नलिस्ट का भूमिका निभा रहे हैं और इस दुविधा में फंसी हुई है कि एक रिपोर्टर के लिए क्या दिखाना महत्वपूर्ण है, सच या फिर जो सही है वो। ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि ये कहानी एक खोए हुए लड़के की है, जो अपनी मौत के पीछे कई राज छोड़ गए हैं और वही राज पर से एक एक करके यामी गौतम पर्दा उठाते हुए नजर आएंगे। खत्म। इस ट्रेलर में वह मिसिंग लड़के की कहानी को कवर करने और उनको बेगुनाही साबित करने और उसे ढूंढने के चक्कर में यामी गौतम अपने दुश्मन बढ़ाते हुए नजर आती है, जो उनको मारने के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर में इस बात को बखूबी दिखाया गया है कि कैसे प्यार से मिले धोखे और राजनीतिक टारगेट की वजह से एक लड़का गायब हो जाता है। दोस्तों फिल्म लॉस्ट में यामी गौतम पूरी तरह से अपने किरदार में रंगी नजर आ रही है। ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों, इस ट्रेलर के डिस्क्लेमर में ये बताया गया है कि इंडिया में हर साल 665 लोग गायब होते हैं। कौन है ये लोग? 2019 में आई नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 मिनट में एक इंसान गायब होते हैं। दोस्तों सच्ची घटनाएं पर आधारित ये फिल्म 16 फरवरी को G5 पर रिलीज हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।